ଦୀପୋତ୍ସବରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଝଲସିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନଗରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀପୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରଜୁ ତଟରେ ଦୀପୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଅଦ୍ଭୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। 17 ଲକ୍ଷ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନଗରୀ। रंग बेरंगर शानदार लेजर लाइटिंग्रे चमकुची पवित्र सरजू घाट। नुआ इतिहास रचिछि अयोध्यार भव्य दीपोत्सव। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड रे सामिल होइछि षष्ठ दीपोत्सव। एथर दीपोत्सव को आहुरी खास करिछि प्रधानमंत्री मोदी योगदान। प्रधानमंत्री स्वागत रे नववधु बेसरे सुसज्जित होइछि अयोध्या नगरी। रामलालांक नगरी रे प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करिथिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हेलीपैड रु सीधा रामलालांक दर्शन पाई जाइथिले मोदी। मर्यादा पुरुषोत्तम दर्शन सह आलती करिथिले प्रधानमंत्री। यहाँ पर रामलालांक परिक्रमा करी बाहरीथिले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र अभिमुखे। सेठारे राम मंदिर निर्माण कार्यर निरीक्षण करिथिले प्रधानमंत्री। सांगरे थिले मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन। सेठारु प्रधानमंत्री बाहरी थिले रामकथा पार्क अभिमुखे। सेठारे चलिथिबा रामलीलारे भगवान श्रीरामंक राज्याभिषेकर शुभारंभ करिथिले मोदी। निज अभिभाषण रे मोदी कहिथिले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामंक ठारु मर्यादा कर्तव्य शिक्षा करिबाकु पड़े। समस्ते निज कर्तव्य प्रति समर्पित हेबाकु आह्वान देथिले प्रधानमंत्री। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार भी है। यहां पर बहु प्रतीक्षित दीपोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन करिथिले प्रधानमंत्री। पांच तत्वर प्रतीक स्वरूप पांचटी दीप प्रज्वलन करिथिले मोदी। तापर सरजू घाट में गोटे पर गोटे दीपर अग्नि संजोग करा और 17 लक्ष दीपर आलोक झलसी पूरा अयोध्या नगरी जार चमक देखी सारा विश्व। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।